मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मेरे को एक्चुअली लाइफ में लीड क्या करना है। और मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया है कि बॉस मुझे क्या डिसीजन लेने चाहिए, और उसने बहुत सिंपल तरीका कर दिया। आई वॉज वेरी कंफ्यूज इन लाइफ, लाइफ में मेरे को करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे लिए भी टी शर्ट लेने जाता ना, मैं उसे परेशान कर देता कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, अल्टीमेटली लेके कुछ नहीं आ पाता। उसने एक दिन मेरे को बैठाया और मैं जो एक्टिविटी आज आपसे करवा रहा हूँ वही एक्टिविटी उसने मेरे से करवाई। ठीक है, सभी लोग रेडी? आपको अगले 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लाइफ के लिए देने हैं। 5 मिनट रिक्वेस्ट है आपसे, ना आप मोबाइल यूज करेंगे, 5 मिनट रिक्वेस्ट है आपसे, ना आप बाजू वाले की तरफ देखेंगे, 5 मिनट आप आपका पेन, मैं आपको एक वो कीमती पल दे रहा हूँ जिस टाइम पे आपको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस मोमेंट पे अगर आप अपने आप को रियलाइज कर दें तो उससे बेटर कुछ नहीं। नाउ आई थिंक सब सेटल हो चुके हैं। सुनिए, पहली चीज, इस पेज पे आपको 2 चीजें लिखनी है, एक्चुअली 3। पहला, हु आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर द 3, 3 से ऊपर बिल्कुल नहीं, 3 मोस्ट, और उस 3 में भी प्रायोरिटी लगाएंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, स्पेस छोड़े। दूसरा सवाल आप सभी लोगों से, What are my dreams for these 3 people? What are my dreams for these 3 people? आप इन 3 लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? What are my dreams for these 3 people? Third question. Why I could not achieve this dream till now? आपको इसमें 5 रीजन लिखने हैं। कितने? 5, कि मैं अब तक ये क्यों नहीं कर पाया। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मैं एडिशन कर रहा हूं, इफ आई फेल टू अचीव दिस ड्रीम, व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ दिस पीपल? If I fail to achieve this dream, what will be the reaction of these people? मैं आपको पूरे सवाल वापस रिपीट कर रहा हूं। ये हर उस बच्चे ने लिखना है जिसने अपने लाइफ में कुछ करना है। पहला, मेरे लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट लोग कौन है? दूसरा, मेरे लाइफ का ड्रीम क्या है इन लोगों के लिए? तीसरा, मैं अब तक इन ड्रीम को अचीव क्यों नहीं कर पाया? चौथा, अगर मैं इस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाऊं तो क्या होगा? ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा ना, रियलाइज किया कौन इम्पोर्टेंट है? एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर रहा हूँ और बहुत सोच समझ के। द क्वेश्चन इज, इन नेक्स्ट 5 मिनट आई एम अबाउट टू डाई, what I can do to do this? In next 5 minutes, I am about to die. What I can do it to complete the dream? Right. 3, 2, 1, stop. I'm damn sure आपसे आपके किसी ने पहले नहीं कराया था, और मैं खुद सब पका गया था जब मेरे से पहली बार मेरी वाइफ ने कराया। सर, यही चीज मुझे रियलाइज करवाई दर्शन खरे सर ने,
परेशान हो गया यार कि आखिर लाइफ में चाहिए क्या। आज तक हमने ना सिर्फ थॉट दिया था, आज देखिए आपके पास लिखा है आपको लाइफ में चाहिए क्या, किसके लिए करना है, क्या करना है, नहीं कर पाया तो क्या होगा, और अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, मुझे करना तो है। ये वो चार सवाल है आपके लाइफ के जो आपको अलग अलग दिशा देंगे। पहली चीज, जब मैं मैक्सिमम बच्चों के बीच में घूम रहा था मुझे पता चला कि यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चों ने सबसे पहले प्रायोरिटी दी है अपने पेरेंट्स को, इनरिस्पेक्टिव वो कैसे भी हों। आपने बताया ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनने आपके लिए सब कुछ किया है। एक माँ, वो माँ जिसने आपके लिए पेट काटा 9 महीने से, मेरे को इतनी अक्कल नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने मेरा बच्चा होता देखा और पल्लवी को सफर होते देखा तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, और मेरे को उस टाइम मम्मी के इम्पोर्टेंस का रियलाइज हुआ, क्योंकि ये वो लेडी है जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, पेट काटा, आप अपने लिए अपने हाथ का एक बाल नहीं, या अपने यू नो हाथ का ही बाल नहीं काट सकते, उस लेडी ने आपके लिए पेट काटा, इसलिए वो आपकी इम्पोर्टेंट लिस्ट में है। बाप कितना भी कड़क हो, क्यों ना हो, कैसा भी हो, आपको पता है उस आदमी ने आपके लिए दिन में मेहनत की, रात में मेहनत करी, उस आदमी ने धूप में मेहनत करी, उसके लिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट लिस्ट में है। तीसरी कैटेगरी में कोई भी हो सकता है जिसने आपके साथ हमेशा साथ दिया, ये वो पर्सन होगा जिसने आपका साथ हमेशा दिया और उस व्यक्ति के लिए आप कभी भी रात में खड़े हो जाइए। ये तीन लोग थे जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब इससे मोटिवेशन क्या मिलता है? पहली चीज, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, इन तीन लोगों को छोड़ के सारे लोगों को एक ही लिस्ट में डालो, उनका नाम है झंडू। उनका नाम क्या बेटा? झंडू। इन तीन लोगों को छोड़ के लाइफ में तुम्हें कई लोग मिलेंगे जैसा सर ने बताया कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लाइफ में तुम्हारा कोई गोल नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। अगेन इस पेज को उठा के देखना, पहली बात क्या वो मेरे इंपॉर्टेंट लिस्ट में है? इफ द आंसर इज नो, वो झंडू है, झंडू की बात पे ध्यान नहीं देते, झंडू की बात पे ध्यान नहीं देते। कुछ शायरियों में कहूंगा, पता नहीं किसने कही है, बहुत अच्छी लगी इसलिए आपके सामने रखा हूँ, आधी लिखूंगा पर हर बात लिख दूंगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? आधी लिखूंगा पर हर बात लिख दूंगा, आधी लिखूंगा पर हर बात लिख दूंगा। बुराई मत करना कभी मेरी पीठ के पीछे, बुराई मत करना कभी मेरी पीठ के पीछे, उठा ली कलम तो तुम्हारी औकात लिख दूंगा। अगर इन तीन को छोड़ के तुम्हें लाइफ में कभी भी कोई कुछ बोल रहा ना, तू ये कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे से ये हो पाएगा, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, अबे झंडू। सी भाई, यू आर नॉट इररिलेवेंट फॉर माय लाइफ, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ, तिल लगाने गया तो दूसरा आपने उसको मानना ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने लिखा आपके ड्रीम्स क्या क्या है, लेकिन ड्रीम्स के नीचे ही आपसे लिखवाया गया आज तक आपने क्या क्या ऐसा किया है जो आपको तकलीफ दे रहा है। अगर आप देखोगे सेल्फ रियलाइज्ड है कि आपने लाइफ में ये गलती की है, इसलिए ड्रीम अब तक अचीव नहीं है। सेल्फ रियलाइज्ड है, ये वो चीज है जिसे तुम्हें कट करना है, ये वो चीज है जिसे तुम्हें कट करना है। क्योंकि अगर तुम बोलोगे ना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये वो प्रॉब्लम है जो तुम रियलाइज कर रहे हो लेकिन उसके लिए वर्क नहीं कर रहे, ये वो प्रॉब्लम है जिसके लिए तुम रियलाइज तो कर रहे हो लेकिन उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हो, ये तुम्हें कट करना है अगर तुम्हें लाइफ में कुछ क्लियर करना है। तीसरी चीज हम लोगों ने लिखी कि बॉस अगर मैं इनको अचीव नहीं कर पाया तो इन्हें क्या जवाब दूंगा, ये वो पार्ट था जो आप सही नहीं लिख पाए, क्योंकि ये वो थॉट है जो कभी कोई इंसान दे नहीं सकता, वी कैन नेवर बी निगेटिव। आप वो पार्ट सही बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे कि मैं अचीव नहीं कर पाया तो इनमें क्या गुजरेगी, क्योंकि आप खुद डरते हैं ऐसी सिचुएशन से कि अगर मैं मेरे लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो हाउ विल आई फेस दिस पर्सन, ये वो है जो आपने बिल्कुल नहीं लिखा। जब तुम्हें पता है गड्ढा है तो तुम्हें खुद संभलना है। आप देखो, आई थिंक मेनी ऑफ द पीपल हु आर अवेलेबल ओवर हियर, उनका नवंबर के अंदर में एग्जाम है। आज की अगर मैं तारीख पकड़ूं तो ये तारीख है 13 अगस्त 2019, यहां से मैं 17 दिन पकड़ लेता हूं किसके, अक्टूबर सितंबर के 30 दिन, सितंबर के अगस्त सितंबर यहां पे आ गए 47 डेज, अक्टूबर के 30 दिन और पकड़ लो यहां पे आ गए 77 डेज, नवंबर में तो एग्जाम ही बेटा। आखिरी पार्ट आपसे वो लिख पाया,
कि अगर 5 मिनट टाइम और आपको इनके लिए कुछ करना है तो आपको क्या करना है, आपके पास ये 5 मिनट की जगह 77 दिन है। ये 77 दिन है, अगर इनके लिए कुछ करना है तो भी करना इन 77 दिन के अंदर, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे भाई तेरे को यहां तक पहुंचाने के लिए ना किसने कितनी मेहनत करी होगी ये तेरे को शायद नहीं मालूम। और कितने लोग, आई थिंक आप में से कई लोग तो अपने फैमिली की सिचुएशन को खुद समझते होंगे यार कि अगर वो पास नहीं हुए तो क्या होने वाला है। आप में से बहुत से लोग मेरा पास्ट लाइफ जानते हैं, आप में से बहुत से लोग जिनने लेक्चर किया है वो मेरा पास्ट लाइफ जानते हैं। आज मैं यहाँ पे मोटिवेशन बोल करके खड़ा हूँ क्यों, क्योंकि शायद मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया ऐसा लोगों को लगता है, बट स्टिल आई फील कि मैंने मेरे लाइफ में कुछ नहीं किया, मेरे को बहुत कुछ करने का है। बट हाँ एक चीज मैं प्राउडली क्या कहता हूँ पता है, मैंने शायद मनी टर्म्स में अचीव किया कि नहीं मेरे को पता नहीं, मैंने प्रॉपर्टी टर्म्स में अचीव किया कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट एक चीज जो मैंने अचीव किया ना, जो मैंने दम पे अचीव किया वो ये है कि मेरे पापा मेरे पे प्राउड है। ये मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात समझ ले मेरे भाई, पैसा आएगा जाएगा, फेम आएगा जाएगा, और हम सबके लिए आएगा। माइंड भी ऐसा हो सकता है, आप लोग अगर बोलेंगे कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, अरे बहुत कॉमन बात है, बिल्कुल बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन मेरे एक बात बता भाई, क्या सिर्फ पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव हो सकता है? आंसर इज नो, नेवर। मनी इज अ आउटपुट फॉर व्हाट यू डू। कई चीजें ऐसी भी होती है जो पैसा देती है लेकिन उसके लिए इच्छा नहीं होती ना, उसमें इज्जत होती है। कर वो जो तेरे पैशन में है, लिटरली कर वो जो तेरे पैशन में है। आई स्ट्राइव फॉर इट, आई डिड इट। कितने लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ ये हमेशा 50% की रिजल्ट देती है, प्लीज रेज योर हैंड। कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरे को आउटपुट नहीं मिलता, कम ऑन रेज योर हैंड। बराबर, कुछ लोग हैं जिनको लगता है अगर आप अपना 100% देते हैं लेकिन आउटपुट 50% मिलता है, व्हाई डोंट यू मेक योर एफर्ट 200%, क्योंकि 200% का 50% कितना होगा जरा चेक करो। अगर 100% में रिजल्ट 50% आ रहा है, अपनी मेहनत को 200 कर लेना, उसका भी 50 तुझे 100% रिजल्ट देगा। इन शॉर्ट, जब भी तुझे ऐसा लगे कि तेरी मेहनत खत्म हो रही है या तू थक रहा है, तेरी मेहनत को डबल करने का टाइम है। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ पे ये दुनिया में यहाँ पे कुछ भी चीज आसानी से नहीं मिल रही है। यू कम, अब तक तुम्हें जो कुछ मिला है ना बेटा, वो तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया है। तुम्हें ना पैदा हुए थे और पढ़े थे पालने के अंदर में, किसी ने आया तुम्हें तुम्हारा नाम दे दिया, जात से तेरा नाम ये, गॉड ओनली नोस तुम्हें ये नाम पसंद है या नहीं। अबे नाम भी तेरे को भीख में मिला है तो किस बात का गुरु पे है? नाम भी तेरे को भीख में मिला है, तूने अपने दम पे क्या किया ये समझा। ऐसा क्या किया आज तक तूने कि तुझे तेरे ऊपर या तेरे पेरेंट्स को तेरे ऊपर प्राउड होना चाहिए? कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, कौन बनेगा करोड़पति से पहले कौन होना जरूरी है, और ये कौन के लिए तुम्हें मेहनत करनी है, कौन बनना जरूरी है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज के लाइफ का। अगर तुम सोच रहे हो, देखो एक बात तो मैं बता दूं, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हो, अगर तुमने 3 साल इस यूथ एज में अपनी मेहनत दे दी ना मेरे भाई, ये आने वाले 30 साल तेरे को बहुत अच्छा आउटपुट देगा। और ऐसा होगा कि जब तू ये करता रहेगा तेरे को मनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन, ये सब आएगा, ऑब्वियसली है आएगा। पर ठीक है, कई बार कई बच्चों से हम लोग मिलते हैं, उनको उनके घर का टेंशन है, उनके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, तू उसका कुछ कर सकता है? तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तू कौन नहीं है। क्या नहीं है? कौन नहीं है, तू कुछ कौन होगा? अच्छा, लाइफ में ना मेरे भाई ज्ञान भी वो देके जाएंगे जिनने आज तक लाइफ में कुछ नहीं किया, क्योंकि जिनने लाइफ में कुछ किया उनके पास टाइम ही नहीं है तुम्हें ज्ञान देने का। तो छोड़ ना, अरे तेल लगाने जान दे। तेरे लिए 3 लोग इंपॉर्टेंट कौन है? ये जो तूने खुद से लिखे है, तेरे लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है। अगर मेहनत करनी है, मोटिवेशन चाहिए, विजय सार्डा इज नॉट अ मोटिवेशन। मैं दुनिया का हद घटिया इंसान हूं, ऑनेस्टली मैं मोटिवेशन नहीं हूं ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, बट हां मैं आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करवाने के लिए सबसे बेहतरीन पर्सन हूं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं रियलाइज जरूर करवा सकता हूँ, क्योंकि ये रियलाइजेशन मैंने खुद ने लिया है। और जब तक के मेरे भाई मैंने खुद ने ये काम नहीं किया ना, तब तक के दूसरों से आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो खुद सोच के देख यार, देख 3 साल तेरे को मेहनत करनी है, यहाँ से समझ के चल, 3 साल तेरे को मेहनत करनी है, और ये मेहनत खुद से करनी है। क्योंकि देख एक टाइम था जब 10th की डिग्री भी हार्ड थी, से यस, बराबर है। उसके बाद एक टाइम आया जब 12th भी हार्ड था, से यस,
उसके बाद एक टाइम था जब सीपीटी भी हार्ड था। आज सीपीटी कैसा लग रहा है? चिल्लर लगता है। अब क्या हार्ड है? इंटर हार्ड है। फिर क्या हार्ड होगा? फाइनल हार्ड होगा। तो ये हर बार आएगा, ये सिचुएशन हर बार आएगी। तू सोच, जब तूने वो निकाल दिया और बाद में इसे चिल्लर समझने लग गया तो अब क्या है? ठीक है ना, होगा। अबे रिजल्ट होगा, गलत होगा, गलती होगी, 50 बार ये होगा। पर उसके बाद भी तेरे को उठ के खड़े होना है। क्यों खड़े होना है? क्योंकि बॉस, तूने लाइफ में, तुझे बहुत लोगों ने गिराया है। कई लोगों ने, तेरे रिलेटिव ने तेरे ऊपर फोकस नहीं किया। तेरे रिलेटिव ने बोला तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। स्पेशली लड़कियां, उनको तो हमेशा ये मिला होगा कि ये मोबाइल में घुसी रहती है, इसका तो चक्कर है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, सो ऑन सो फोर्थ। क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ भी ये हुआ है, मेरी सिस्टर के साथ भी ये हुआ है। बट मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे ये सब कह रहे हैं, अगर आपको बारे में लोग कुछ बुरा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये वो आप जानते हैं कि आप में कैपेबिलिटी है और वो आपको उकसा रहे हैं इसको करने के लिए। टेक देम एज अ मोटिवेशन। ठीक है, ऐसा ना, ठीक है। और तब तक मेहनत करना जब तक कि लिटरली रात में परेशान ना हो जाओ। आपका एक ध्यास कुतरे सबका प्यास। पागल के जैसे भिड़ जा, परेशान हो जा। लिटरली 3 साल तू अपने ऊपर दे, 3 साल आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो एज अ स्टूडेंट। 3 साल बाद लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे। बॉस, कुछ ही ऐसी डिग्री है जो नाम के आगे लगती है, जितना मेरे को पता है। पहला है डॉक्टर, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट। ये वो डिग्री है जो नाम के आगे लगती है, नाम के पीछे नहीं। इनफैक्ट आईएएस भी नाम के पीछे लगता है। ये वो डिग्री है जो नाम के आगे लगती है। सुनहरा मौका है आप सभी लोगों के लिए कि आप अपना नाम बदलने, जो दूसरों ने खैरात में दिया है। आप छोटे थे, नाम रख दिया विजय सारडा। आई कंप्लीटेड सी ए, आई मेड सी ए विजय सारडा। आई चेंज माय नेम। इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड इंग्लिश में बोल रहा हूँ? याद रखें, इंग्लिश लैंग्वेज है, स्टेटस में डजंट मैटर। नहीं आता, जिस लैंग्वेज में आता है बोलो। हिंदी में आता है हिंदी में बोलो, हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। डजंट मैटर, तू कहां से आया है, किस मीडियम से आया है, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अरे तेल लगाने गया। तेरे परसेंटेज कितने थे? आप में से कई लोग होंगे जिनको अकाउंट्स के अंदर में 11th 12th 90 out of 100, 99 out of 100 आईपीसीसी अकाउंट के प्रिंसिपल बदल गए। क्या बदला? 3 गोल्डन रूल थे, वही है। 3 गोल्डन रूल थे, है तो वही। पहले था मैकेनिकल, इधर डेबिट होता मतलब इधर क्रेडिट ही छोटा। जब तुमने अपनी लेवल बढ़ाई ना, तब तुम्हें पहला क्वेश्चन ये आया, अकाउंट कौन सा बनाना है? क्या है? अकाउंट कौन सा बनाना है? पहला तो ये क्वेश्चन आया। वहां पे तो बना हुआ था इतने इतने अकाउंट बनाने, 12th के अंदर में याद करो ना। अरे दिमाग में सेट था, कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसका बैलेंस शीट की टैली क्या होनी है तुमको मालूम था। और बेटा याद रखना, हम कॉमर्स स्टूडेंट नवाब होते हैं। पूछो कैसे? बेटा हम नवाब इसलिए हैं, कॉमर्स स्टूडेंट नवाब इसलिए हैं क्योंकि लाइफ में 1 रुपया नहीं होता, लेकिन लाइफ की पहली एंट्री पास करते कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख। नवाब है हम नहीं करेंगे, कौन करेगा लाइफ में? नवाब है हम। समझ में आ रही है? पैसा नहीं था फिर भी कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख, कहां से है? सस्पेंस। जो भी प्रोफेशन में है, जो स्टूडेंट है इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने प्रोफेशन के लिए करें, राइट?
देख बेटा कोई डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप लेके घूमता है राइट, कोई इंजीनियर होगा स्क्रू ड्राइवर लेकर के घूमेगा ऑब्वियसली, ये उनका ये उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं घूमते, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मेन है, हमारे को कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है राइट, हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात तू खड़े हो, मैं तुझे बताता हूँ हर प्रोफेशन की नीड है, मैं तुझे सिर्फ सीए के प्रोफेशन की बता रहा हूँ। तू ऐसे खड़े हो जा, इमेजिन योरसेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तू ऐसे खड़े हो जा, इधर साइड देखेगा करीब 130 करोड़ लोग नेचुरल इंडिविजुअल खड़े हैं, ठीक है, यहाँ साइड देखना सारी कंपनीज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन खड़ी है, यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब खड़े है, यहाँ पे अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फर्म कंपनी अदर चीजें खड़ी है। मैं पूछता हूँ किसको तेरी जरूरत नहीं है? इनकम तो सभी कमा रहे ना, जरूरत तो तेरी सबको है। एवरी सलमान खान रिक्वायर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट डज नॉट रिक्वायर सलमान खान, हम शाहरुख को देखेंगे। दिस इज योर पावर एंड नॉट एवरीबॉडी कैन डू इट, दिस इज योर पावर। आपने अपने बीकॉम के अंदर करीब 100-150 बच्चे देखे होंगे, उनमें से करीब सिर्फ 20-30-40-50 ही होंगे जो सीए के अंदर आएंगे, और जिनमें सच में अपने ड्रीम को अचीव करने का दम होगा ना, वो फाइनल क्रॉस करके जाएंगे। ये रास्ता आसान नहीं है, कुछ लोगों को मैंने बोलते सुना है 10वीं 12वीं से ज्यादा इजी है। मैंने सुना है, ठीक है, अब उनका पर्सपेक्टिव है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया, तो जो बोले वो शायद कानून भी हो सकता है, बट मैं कहता हूँ ये नहीं है मेरे जैसे एवरेज के लिए, आप लोग के लिए हो भी सकता है शायद दूसरी तीसरी से ज्यादा इजी। बट अगर आप उस पोजीशन पे हैं तो थोड़ा संभल के बोलें, ठीक है। तो दूसरी और कुछ बातें मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। द अदर टाइम रोहन सर वॉज रेफरिंग अबाउट वॉच, घड़ी की, घड़ी को आई साइट पे रखो। मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूँ सर को इन अ डिफरेंट वे। मैं कहता हूँ घड़ी ही मत रखिए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूँ घड़ी ही मत रखिए। व्हेन यू आर स्टूडेंट आस्क मी व्हाई, मैच पहन के नहीं आया, समझिए मैच पहन के नहीं आया, और मेरे को लगता है कतई जहर चीज है। पूछो कैसे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आपकी घड़ी देखिए कितने बता रही है, घड़ी आपके 12 घंटे वेस्ट कर रही है। आपको 24 घंटे होते हैं, ये आपको 12 ही दिखा रही है और 12 में सिर्फ घुमा रही है, जो आपका पूरा टाइम नहीं बता सकती कितना यूज करना है, वो आपको आपका समय क्या बताएगी, जो आपको ये नहीं बता सकती कि आपका समय कितना है, वो आपको ये क्या बताएगी कि आपको यूज कितना करना है, वो आपको दिखाई पा रहा नहीं है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको आपकी एफिशिएंसी पे रोक दे रहा है, वो आपको बता रहा है आपकी एफिशिएंसी 12 आवर ही है, और वापस 12 आवर घूमने के आने के बाद वो आपकी एफिशिएंसी को 12 घंटे रख दे रही है। कई बच्चों को मैंने बोलते सुना है सर हम पढ़ाई कैसे करें, अबे मैं क्या बताऊं कैसे करें, मेरे तो खुद की मानते थे, मैं कैसे बताऊं कैसे पढ़ाई करें। हर एक की कैपेसिटी अलग है, किसी का रात में उठता पढ़ाई करने का मन, किसी का दिन में। पहली बार कृपया किसी से पूछना बंद करें कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। पढ़ाई करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बुक उठाए और पढ़े। प्लीज किसी से मत पूछे, क्योंकि अगर कोई बता रहा है तो वो उसका बता रहा है कि कैसे पढ़े, वो आपका नहीं बता रहा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो रात के दीवाने होंगे मेरी तरह, भाई रात जगा लो, रात के मजे ही कुछ अलग है, नमकीन अलग होती है। और कुछ होते हैं जो दिन के दीवाने होते हैं जिन्हें सूरज पसंद है, हमें तो चांदनी से ही खुशी मिलती है। तो भाई साहब कौन कितना और कहां पढ़ने वाला है कृपया डिसाइड ना करें। दूसरी बात, आप जो पढ़ रहे हैं किसी से डिस्कस ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है, या आप जो पढ़ रहे हो किसी से डिस्कस ना करें, चुपचाप आपको जो सही लगता है वो पढ़िए, बिकॉज अब तक क्या आपका सही भले का डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, आप इतने तो बड़े हैं, अगर आप वो सब कर सकते हैं जो बड़े कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। जिसे समझा ठीक, जिसे नहीं समझा उनका
भी सवाल किसी से भी पूछना बंद कीजिए, मैं कब पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं, कहां पढ़ूं, मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है। टेंशन तो आएगा, तो कौन सी इजी चीज करने जा रहा है, तो कौन सी इजी चीज करने जा रहा है, तो एक हार्ड चीज ही करने जा रहा है, अचीव करने जा रहा है। गूगल पे डाल के देखो तो गूगल आपको बताएगा ये शायद पहला या दूसरे नंबर का इंडिया का हार्ड कोर्सेज है, और इतना हार्ड है कि इसे सिर्फ हार्ड ही कर सकते हैं। हरेक के बस का है ही नहीं मेरे भाई, हरेक के बस का है नहीं। अच्छा दूसरी बात, जितने लोग यहाँ इंटर में आ गए इनकी लाइफ तो और परेशान है, पूछो क्यों। जो सीए इंटर आईपीसीसी में आ गए इनकी लाइफ तो और परेशान है, उसके दो रीजन है। पहला, तुम ऐसी जगह आके अटक गए हो जहाँ निकल सकते भी नहीं और उगल भी नहीं सकते। तुमने सीपीटी पास किया तो दुनिया तुम्हें देख रही है तुम सीए बनोगे, और फाइनल वाले से मिलो तो तुमको ऐसा लगता तुम्हारी लाइफ वेस्ट है। अब ना तुमसे ये निकला जा रहा है ना ये उगला जा रहा है, तुम्हें सिचुएशन में इस सिचुएशन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। और फाइनल में आके ये सिचुएशन और तकलीफ देती है, क्योंकि उस टाइम तक क्या ऐसा लगता है वेगी तो एग्जाम बाकी है फिर क्या। और ये तो तुम्हारे सब बचपन से होता है, बेटा दसवीं कर ले बहुत अच्छा स्कोप है, फिर तो क्या आराम ही है। बेटा बारहवीं कर ले फिर तो क्या आराम ही है। फिर तुम्हारे को किसी ने सीए में लाया, आराम ही है बे, आराम। इमेजिन एमबीए वालों को तुम्हें कॉलेज जाना पड़ता, तुमको क्या है ऐश में बैठे रहो। मैंने कई बैंकों को देखा है वो सीए कोर्स के लिए लोन नहीं देती, हाल फिलहाल में कई बैंकों ने चालू किया है। मैंने क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं देती थी तो मैंने बैंक में जाके पूछा क्या तकलीफ है, क्यों बैंक क्यों सीए के लिए लोन नहीं दे रहे। उन्होंने बोला ये कितने साल का कोर्स है। क्या जवाब मैं क्या जवाब दूं, पहला मैं क्या जवाब दूं। दूसरा बोले इट्स अ पार्ट टाइम कोर्स, मैं 2 मिनट के लिए रुक गया। बोले क्या बोले वापस बोलूं, सीए इज अ पार्ट टाइम बैंक वाला ये बोल रहा है। अच्छा ये अलग विषय, मैंने बोला पार्ट टाइम कैसे, तो बोले कैसे आपको कोई कॉलेज नहीं है। बात तो सही बोल रहा है। कैसा आप लोग का कोई ऐसा सेमेस्टर पैटर्न नहीं हो रहा। बात तो सही है, क्राउड भी बहुत कम आता है। मतलब हां ये बात तो बोले इट्स अ पार्ट टाइम कोर्स है, इसके लिए आपको नहीं दिया जाता। मैंने बोला साला सबसे ज्यादा एंगेज ही अगर कोई स्टडी के अंदर में है तो वो प्रोफेशनल स्टूडेंट है, और तुम कहते हो ये पार्ट टाइम कोर्स है। बेटा कुल मिला के बात ये है कि तुम्हें सब परेशान करेंगे और ये सब तकलीफें आएंगी। इट्स ऑल अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। और किसके लिए करना है, ये तीन लोगों के लिए। ये जो तीन लोग मतलब लिटरली ये आप ले जा करके अपने रूम में रखें, और जब जब भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े, यू डोंट नीड विजय साडा फॉर मोटिवेशन, यू नीड दिस पेज फॉर मोटिवेशन कि बॉस मेरी क्या क्या गलती हुई है और मुझे क्या क्या करना है। और मैं कहता हूँ इसके साथ साथ कुछ और सवाल अपने रूम में लिख के रखे, जिन लोगों को कुछ अचीव करना है पागल बने ना, नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है। मैंने मेरे रूम में लिख के रखा है, आप भी लिखिए, लिख के रखिए। इफ नॉट यू देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। आपको जब भी कोई टाइम पास करना है, आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं जो आपके ड्रीम के लिए नहीं है, मैं अपने आप से 10 बार ये सवाल करते रहे, इफ नॉट यू देन हु। अगर तुम नहीं कर सकते तो लाइफ में कौन कर सकता है। इफ नॉट यू देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। और अगर आज नहीं करना तो फिर कब। और कोई भी टाइम पास करने से पहले जब तक तुम इस ड्रीम को अचीव ना कर लो, जो भी प्रोफेशनल डिग्री तुम ले रहे हो उसको अचीव ना कर लो, तब तक के अपने आप से एक सवाल पूछे, टाइम विल पास विल यू। पूछते हैं कॉन्स्टेंट, यू नो द सीक्रेट करके एक बुक है, आई थिंक बहुत जो रीडर्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा, द सीक्रेट करके एक बुक है। ये बुक कहती है जो भी आपकी चीज है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका विश है, आप इसे 10 बार रिपीट करते रहे, 10 बार रिपीट करते रहे, एक ना एक दिन किसी भी तरीके से ये मिल जाएगा। इसी बुक को डायलॉग बना के शाहरुख खान साहब ने यूज किया था, दैट अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने के लिए जुट जाती है, ऐसा कुछ। और ये एक्चुअली द सीक्रेट बुक का एक थीम है। और ठीक उसी तरीके से आप अपने आप से पूछते रहे, इफ नॉट इफ टाइम विल पास विल यू, टाइम विल पास विल यू, आपको इसमें मदद मिलेगी। और सिंपली द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या तुम्हें नहीं लगता जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो उनके लिए तुम्हें भी कुछ करना चाहिए यार। एक बार सोच के
तेरे पापा सोच के लेके आ रहे, तेरे पास का कभी फोन चेक करना और तेरे पापा आपके पास का कभी फोन चेक करना। ऐसा नहीं है कि ये लोग बेवकूफ है, इनको नहीं समझता फोन, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वो तुम्हें बेटा अगर पैदा करना जानते ना, तो तुमसे बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते, ये बात हमेशा याद रखना। और ऑनेस्टली मेरे को इतनी अक्कल नहीं थी, जब मैं बाप बना तब मेरे को अक्कल है कि अगर वो तुम्हारा फोन कभी चेक करना, तुम्हारे पापा का फोन कभी चेक करना, तुमको समझ में आ जाएगा वो आदमी ने प्रायोरिटी दी है तुमको, तुम्हारे ड्रीम्स को। दिवाली के दिन ना भाई साहब तुम्हें नया कपड़ा चाहिए, वो आदमी अपने पुराने कपड़े में घूमेगा। क्यों घूमेगा? वो बोलता है मेरे को जाने ही कहा है, तुमसे ज्यादा तो उनको लोग पहचानते होंगे, तुम्हें दूसरी बार बेवकूफ बनाया गया। तीसरी बार उनके बर्थडे के दिन उनके लिए गिफ्ट लेके देगा, गाली खाओगे। अपने माँ बाप के लिए बर्थडे में गिफ्ट लेके देखे, स्पेसिफिकली पप्पा के लिए, कन्फर्म गाली खाओगे। क्या जरूरत थी, मैं तो ये पहनता ही नहीं, मुझे तो यूज करते आता ही नहीं। बेवकूफ बनाया जा रहा है तुम्हें, ब्रांड समझ रहा है ना, चेक करना ये ब्रांड तब से है जब तुम्हारे पप्पा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ब्रांड नहीं समझता, बस ऐसा है कि पैसा तुम्हारे लिए है। मम्मी को सोच के देखो यार, वो लिली ने तुम्हारे लिए क्या किया है, 9 महीने तुम्हारे पेट में रखा, पेट काटा, यहाँ तक के लेके आई, तुम सुबह से शाम तक सही तरीके से रहो उसके लिए, वो लेडी रोज खाना बनाती है। घर पे जाने के बाद आप सभी लोगों से, आपकी मम्मी ने कभी एक सवाल के ऊपर नहीं पूछा कुछ खाया क्या। गलत बोल रहा हूँ साहब, आप सभी की मम्मी, मेरी मम्मी सभी की सवाल पूछती है, हर माँ इनफैक्ट एक ही सवाल पूछती है, कुछ खाया क्या। इसके अलावा उस लेडी को कोई लेन देन नहीं, तुम किसके पास पढ़ रहे, कहाँ जा रहे, अंधाधुंध विश्वास है मेरे भाई तुम पे। बराबर है, वो आदमी जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है ना, वो आदमी गाड़ी में घूम रहा है, साइकिल पे जा रहा है, वो आदमी ऐसी तैसी करवा रहा है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इस 100 रुपए कमाने के लिए ना वो आदमी अपनी पूरी एक करवा लेता है, क्लाइंट से गाली खाता है, 10 कस्टमर आके चिल्ला के जाते हो, चुपचाप सुनता क्यों, क्योंकि तुम्हारे लिए काम कर रहा है। इतने भी खुदगर्ज मत बनो यार कि कोई दो लोग तुम्हारे लिए अपना 100 दे रहे हैं और तुम उन्हें हर सब्जेक्ट में 40 भी ना दे पाओ। फैंटेसी नहीं, क्या बोला मैंने, इतने भी खुदगर्ज मत बनो कि वो तुम्हें अपना 100 दे रहे हैं और तुम उन्हें हर सब्जेक्ट में 40 भी ना दे पाओ। 40 समझ रहे हो ना क्या है, इतने भी खुदगर्ज मत बनो। उनने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया और मुझे शायद, मैं बहुत एक्सटर्नल पर्सन हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है। यू पीपल आर लकी ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे को जो लास्ट क्वेश्चन दिया वो इसी बात से रिलेटेड है कि तुम्हारे पास आखिरी के 5 मिनट हैं, तुम इनके लिए क्या कर सकते हो। आखिरी के 5 मिनट ना भाई, उन लोगों के लिए जिन लोगों का नाम लिखा है, तेरे पास भी 77 दिन है तेरे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। इस 77 दिन के अंदर में पूरे 24 घंटे हैं, इस 77 दिन के अंदर में हर घंटे में 60 मिनट है, और इनको अचीव करके उन्हें जो 3 लोगों को खुशी मिली, आपको क्या लगता है, आपको सीए या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री बना के आपको क्या लगता है आपको कि पेरेंट्स आपसे पैसे लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। इमेजिन करना कभी ना, आर्टिकल शिप में जाओगे ना, अपनी पहली सैलरी अपने मम्मी को ले जाके देखना, वो लेडी रोएगी। अपने पप्पा को ले जाके देखना, ये पैसा अगेन तुम्हारे लिए ही यूज करेगा, तुम्हारी ही कोई अच्छी खाने की चीज़ आ जाएगी, तुम्हारी शादी के लिए आ जाएगा। उनको तुमसे पैसे नहीं चाहिए यार। इनफैक्ट कई पेरेंट्स को तो तुम ये बोलते हुए सुन लोगे कि हमारी तो निकल गई, अब जो कुछ है वो सब तेरे लिए। कई पेरेंट्स ये बोलेंगे क्योंकि वो सच में वैसे जी रहे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है क्या। आपके सामने 77 दिन है, 77 डेज इन द एग्जामिनेशन। आप सोचिए आपको आपके लाइफ में अचीव क्या करना है। मैं कोई नहीं होता आपको ये बताने वाला एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, गलत, मेरे खुद के ड्रीम बाकी है तो मैं कैसे आपको मोटिवेट कर दूँ। मैं सिर्फ आपको रियलाइज करवा सकता हूँ कि आपने लाइफ में क्या करना है। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिल्कुल नहीं, बट मैं हाँ एज अ बिग ब्रदर रियलाइज बहुत अच्छा करवा सकता हूँ आप सभी लोगों की कि आपको आपके लाइफ में करना क्या है। और अगर आप नहीं कर सकते ना, तो फिर शायद आप तो सुनोगे और आपके मम्मी पापा भी उन रिलेटिव्स से सुनेंगे, उन दूसरों से सुनेंगे जिनको झगड़ करके तुमसे पढ़ाया जा रहा है। स्पेशली बच्चियाँ, राइट, बच्चियों को पढ़ाने के लिए कई माँ बाप को कई चीज़ें सुननी पड़ती है, क्योंकि तुम दिन दिन भर घर से बाहर रहती हो। अगर सीए कर रही हो तो तुम दिन दिन भर घर से बाहर रहती हो। आप सोच के देखिए सर, आपके माँ बाप ने आप पे 100% भरोसा किया। आज आप यहाँ बैठे हो, शायद आपके पापा को पता नहीं आप कहाँ हो, आपकी मम्मी को भी पता नहीं आपको कहाँ हो। इससे ज़्यादा तुमसे भरोसा क्या दिखाई दे रहा है आपको कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तुम उनको बिल्कुल नहीं बता रहे हो कि तुम कहाँ हो, और स्टिल वो तुम्हारे लिए वर्क कर रहे हैं। आई थिंक
मम्मी पापा से ज्यादा इस वर्ल्ड में दूसरा कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। सो आप देखिए एटीट्यूड मैटर्स। अपनी बात को खत्म करता हूँ, चार क्वेश्चन लिखाए थे, चारों क्वेश्चन को लिंक कर दिया। लास्ट चीज आपसे बताता हूँ, 2 - 11 - 251 लोगों को दिखने के लिए शायद ये कैलकुलेशन दिखे, अपने लिए ये एटीट्यूड हो सकता है। किसी ने कुछ बोला सुन लेना, समझ लेना, छोड़ देना। और जिस दिन लाइफ में कुछ अचीव कर लो ना, उसी दिन रुकना और अपने आप से सवाल पूछना, क्योंकि बेशक तुम इस लाइफ के अचीवमेंट के लिए थक जाओगे, और उस दिन अपने आप से एक सवाल पूछना, आईने में देखना और अपने आप से सवाल पूछना, नजरें तो मिला, मुंह तो खोल, जवाब तो दे, मैं कितना लूटा हूं मुझे हिसाब तो दे। क्योंकि कोई दिन कभी अचीव नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपने आप को लूटा ना दो। अपने आप को खत्म करना पड़ता है, पत्थर को भी अपने आप को खत्म करना पड़ता है, मूर्ति बनने के लिए भी और शोभित बनने के लिए भी। आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। मैं कोई नहीं होता आपको बताने के लिए कि क्या होना चाहिए। हाँ, बट एज अ टीचर मैं या मेरा पूरा टीम बी स्मार्ट का हमेशा आपके साथ है ये बताने के लिए कि आपको करना क्या चाहिए इस सीए की जर्नी में। थैंक यू सो मच। कहीं से भी की हो, ठीक है, क्लासेस हमने कहीं से भी की हो, पर नवंबर 19 के लिए वी स्मार्ट अकेडमी पुणे ये आप लोगों के लिए पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक लेके आई है हर सब्जेक्ट का। जितने बच्चे सीपीटी से फाउंडेशन में कन्वर्ट हुए हैं उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक नया सब्जेक्ट बीसीआर एंड बीसीके। एज आई सेड, करण सर द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द टीचर, ये स्पेशली ICAI औरंगाबाद में आप 10 दिन का सेशन होने वाला है। आपके जितने भाई दोस्त यार रिश्तेदार होंगे जो ये अटेंड करना चाहते होंगे, 10 दिन का यहाँ सेशन होने वाला है ICAI औरंगाबाद के पास से ही। आप यहाँ पे अटेंड कीजिए उस 10 दिन को। मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि बस क्वालिटी जो आपको 20 मार्च से आपने सुनी होगी वो क्वालिटी आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि इससे भी पहले मतलब 20 मार्च से भी पहले ICAI किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुला सकता जहाँ उनकी रिस्पेक्ट स्टेक किया जाए। सो डोंट वरी अबाउट इट, 10 दिन का ये सेशन होने वाला है। रिक्वेस्ट करूंगा बीसीआर बीसीके बिल्कुल आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पे चुपचाप बैठना है। प्लस फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा फाउंडेशन का फ्री है, पूरा का पूरा आप वो देख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वी स्मार्ट ने एक और अच्छी चीज की थी, सीए इंटर जितने लोग नवंबर 19 में दे रहे हैं सीए इंटर, इनके लिए फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, सभी जानते हैं, राइट। मैं एक और अच्छी बात आपको ये बता दूं कि ग्रुप 2 का भी फास्ट ट्रैक फ्री लेके आ रहे हैं। ग्रुप 1 का फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा यूट्यूब पे अपलोडेड है, ग्रुप 2 का फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा फ्री आएगा। प्लस आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो, सीए फाइनल में भी हमने एक कर दिया। इस बार नवंबर 19 के लिए वी स्मार्ट अकेडमी ने फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक के पूरे फास्ट ट्रैक फ्री रखे हुए हैं। इसके पीछे का चाइल्ड ब्रेन था विशाल सर एक दिन थॉट देके बैठे हुए थे, एंड विशाल सर से या हम लोग सब प्लान कर रहे थे इनफैक्ट कि यार चलो फास्ट ट्रैक लेते हैं, फीस कितनी होगी, क्या होगी। विशाल सर जस्ट सेड वन थिंग एंड दे सेड कि यार पिछले 5 सालों में ओल्ड कोर्स वाले बच्चों ने बहुत दिया है, इट्स टाइम टू रीपे बैक। हर बार सिर्फ पैसे का गेम नहीं होगा, मैं मेरा लेक्चर फ्री दे रहा हूँ, कौन कौन देने वाले हैं, बिलीव मी विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट एवरी फैकल्टी वॉज रेडी कि सब के सब देंगे। फाइनल के अंदर में फास्ट ट्रैक फ्री चल रहे हैं, इंटर में फ्री चल रहे हैं, फाउंडेशन में फ्री चल रहे हैं, और आई थिंक ऐसा कोई और अकेडमी नहीं कर सकती, मैं श्योर हूँ। तो आप किससे रिक्वेस्ट है, आप जो भी लेवल पे हैं फाउंडेशन इंटर फाइनल चाहिए, उन लेक्चर्स को देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और प्लीज उन बच्चों तक के पहुंचाइए जिनमें सच में जरूरत है या जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमें इतनी दुआएं मिली है ये करके, और आई थिंक ये दुआ रुकनी नहीं चाहिए। नवंबर 19 तक जिस बच्चे का भला होगा उस बच्चे का। रही बात अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट के सारे वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं, आप देख लीजिए। इज दैट डन? पर्सनली मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ, जब भी आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए मैं, मेरा पूरा टीम आप लोगों के साथ है, राइट। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना हो आप बिंदास पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी विल ऑलवेज विद यू। एक ताली में बजाना चाहूंगा विकासा औरंगाबाद वालों के लिए जिन्होंने ये रखा, बहुत गर्व लगता है, ये बहुत गर्व लगता है कि
किसी भी फैकल्टी को लाना और अरेंज करना, और इन लोगों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चे एमबीए के लिए। औरंगाबाद विकासा, जितने विकासा मैंने अटेंड किए इंक्लूडिंग पुणे, आई डोंट नो व्हाई बट पर्सनली मुझे औरंगाबाद के जो टीम है ये बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो इसलिए भी पसंद आती है कि इनका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया है। You people are really lucky to be available over here, and these people always try to do something new or the other day. And thank you so much. भाई साहब कुछ गलत बोल दिया तो please माफ कर लीजिए, मैं भी बहुत छोटा हूँ, सही है गलत सो मत बोलिए, right? Thank you.